गैरसैंण में आयोजित 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तीसरे दिन के सत्र में अनुपूरक बजट विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। विपक्ष ने इस दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वॉकआउट किया। 3 दिवसीय सत्र में अनुपूरक बजट सहित 8 विधेयकों को मंजूरी मिली। 3 अध्यादेश भी सदन में रखे गए थे। इनमें से 2 विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिए गए। समिति इन पर 1 माह में अपनी रिपोर्ट देगी। तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों द्वारा नियम 310 के तहत आपदा और नियम 58 भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार द्वारा इस मसले पर चर्चा न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया। इसके साथ ही विभिन्न प्रश्नों तथा अनुपूरक बजट पर सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर उत्तराखंड में आई आपदा से हुए नुकसान में पीड़ितों को मुआवजा राशि देने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किया गया था उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, इसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप है। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष उसमें शामिल नहीं। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ प्रतिशोधन हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिर्गमन कर गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सदन 18 घंटे 9 मिनट चला और 109 सवालों के जवाब दिए गए। 500 सवाल आए थे, उसमें से हमने करीबन 109 सवालों के जवाब दिए। हमारे पास ये हमारा जो चला 18 घंटे 9 मिनट हमारा जो है सत्र टोटल चला है और साथ ही साथ हमारे पास 3 अध्यादेश 9 विधेयक आए और सूचनाएं आई, चाहे वो याचिका के रूप में आए, 300 के रूप में आए, 53, 58 और 310 के। प्रयास यही रहा हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने।